के बाद जब बालाकोट पर हमला किया था तो हिंदुस्तान के कई विपक्षी नेता उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे और उसके सबूत मांग रहे थे। अब इमरान खान ने खुद मान लिया कि भारत ने जबरदस्त बालाकोट पर हमला किया था, तो अब ऐसे सब नेताओं को हिंदुस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए। हुड्डे का वो हाल है कि कुछ सहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। ये तो हुड्डे की जान फंसी हुई है, ना ये छोड़ सकता है ना ये रह सकता है। और पिछले 5 साल में जैसा तमाशा ये कल करने जा रहा है, कई तमाशे कर चुका, लेकिन कांग्रेस की हाई कमांड ने इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया और ये भी एक तमाशा ही है कल। देखिए, आदमी तो वही है, चाहे वो किसी पार्टी में है और चाहे आजाद पार्टी बनाकर कोई लड़ता है, व्यक्ति तो वही है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेकों केस दर्ज हैं। पार्टी बदल लेने से केस तो नहीं बदले जाएंगे, पार्टी बदल लेने से उसका इमेज तो नहीं बदल जाएगा, पार्टी बदल लेने से उसका किरदार तो नहीं बदल जाएगा, रहेगा तो वही हुड्डा जिसने जेल में जाना है।